नमस्कार, मैं निखिल पारचा स्वागत करता हूं आपका कंचन टीवी पर। और आज हम खड़े हैं पेहवा रोड पर, जो ज्योतिसर से थोड़ा सा आगे। यहां पर देखिए बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। हमें मालूम नहीं है कि यह किस कारण लगा हुआ है। मुझे नहीं पता है किस कारण लगा हुआ है जाम, पर वही हम यहां पर जानने के लिए आए हैं कि यहां पर जाम किस लिए लगा हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर हमारे पुलिसकर्मी भाई भाई भी हैं और भी बहुत से लोग हैं। चलिए हम किसी से जानते हैं यहाँ पर किसी क्यों इतना जाम लगा रखा है, क्या व्यवस्था की हुई है, किस हिसाब से क्या किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर पूरा भयंकर जाम लगा हुआ है। चलिए हम ये देखिए, लगता है यहाँ पर किसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर इन्होंने जाम लगाया हुआ है। यहाँ यह जाम वैसे नहीं लगा हुआ। ये देखिए हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं ऐसी कंचन टीवी पर। ये देखिए यहाँ, ये देखिए बहुत भयंकर जाम। हालांकि हमें अभी तक पता नहीं लगा है यह जाम किस कारणवश लगाया गया है यहाँ पर। ये देखिए यह जाम लगाया गया है, ये लगा नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आने जाने की व्यवस्था बिल्कुल बंद की हुई है, इस साइड से भी और इस साइड से। ये पेड़ लगाया हुआ है और ऑटो भी साइड में खड़ा किया हुआ है। चलिए हम किसी से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर यह ऐसा किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। चलिए हम किसी से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर यह सब क्यों हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हैं। चलिए हम किसी से बात करते हैं। ये देखिए फिर ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पानी की और लाइट की समस्या, चार हफ्ते हो गए, चार हफ्ते से ना पानी आ रहा ना लाइट आ रही है। पानी के बिना तो सहे मर रहे हैं हम, पानी नहीं लाट नहीं, हम दिन रात एक काट रहे हैं इतनी जिंदगी। उसी चक्कर में जाम लगाया हुआ है, इसीलिए जाम लगा रखा जी। आपका लाइट आ रही है, हमारा लाइट नहीं आ रही है। इसका कुछ कारण पता लगा? ये तूफान की वजह से कोई ना लाइट छोड़ रहा ना पानी आ रहा। लाइट आएगी तो पानी आएगा। बंदोबस्त कर ही नहीं रहा, कोई नहीं कर रहा जी, कोई किसी की सुनाई नहीं कर रहा, इसीलिए यहाँ पर ये जाम लगाया हुआ है। इसीलिए जाम लगा रखा है। लाइट ठीक होगी, हमारी लाइट क्यों नहीं ठीक होगी? कृपा की भाई, हमारा पानी क्यों नहीं आया? क्योंकि ये पैसे देगा काम करवा ले, हमारे पास पैसे नहीं है। जैसा कि यहाँ पर सीधी बात की जा रही है कि सभी की लाइट है, हमें जैसे मुद्दा पता लगा है यहाँ पर लाइट और पानी की समस्या है। चलिए हम पुलिस अधिकारी से बात करते हैं। ये देखिए नमस्कार सर, यहाँ लाइट की है व्यवस्था है, लाइट जो तूफान आया था उसके कारण लाइट जो खंभे टूट गए थे, और अभी SDO साहब आ जाएंगे, SDO साहब इनके जो लाइन की बिजली की समस्या है उनको हल कर देगा जल्द से जल्द, एक आध घंटे। हाँ पूरा किया जाएगा विद इन वन आवर। जैसा कि यहाँ पर हमारे पुलिस अधिकारी ने इन्हें आश्वासन दिया है कि यहाँ पर पूरा इनका कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए यहाँ पर बहुत सी भीड़ हो रखी है यहाँ पर, और इसी चक्कर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। ये देखिए लगता है इन्होंने जाम खोल दिया है, क्योंकि इन्होंने इनको आश्वासन दे दिया है। कह रहे SDM साहब भी अभी आएंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि जाम थोड़ा खुलने लगा है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई भी समस्या आसपास हो तो लोग ऐसे ही प्रदर्शन करें, अपना मतलब कि अपना वो करें, काम करें। और ये देखिए यहाँ पर जाम खुल चुका है, ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जाम खुल चुका है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनकी समस्या का हल हो। ये देखिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और Facebook पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।